गुड मॉर्निंग क्लास फाइव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। मी वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारा पार्ट पाँच पुष्प की अभिलाषा कंप्लीट हो चुका है। तो दो रिवीजन वीडियो जाने हैं आपके टेस्ट के लिए। तो ये रिवीजन वीडियो है, आपने अच्छे से रिवाइज करना है और लर्न करना है और क्वेश्चन आंसर वगैरह सारा कुछ लिख लिख के भी देखना है। शब्दार्थ चाह इच्छा, सम्राट महाराजा, चाह इच्छा सम्राट महाराजा, हरि ईश्वर विष्णु भगवान, ईश्वर भी विष्णु भगवान, कोई भी मर्जी लिख सकते हो। वन माली, वन या उपवन का माली। मातृभूमि जन्मभूमि अपना देश। सुरबाला देवकन्या या अप्सरा। शव मृत शरीर। इठलाना इतराना या नखरा दिखाना। पथ मार्ग रास्ता। ये एक बार बोलने वाले क्वेश्चन है, आपने बोल बोल के मतलब आंसर आना चाहिए आपको बोलना। मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, ये आपने खुद करना था, आई होप आपने कर लिया होगा। किसके गहनों में गुथे जाने की चाह पुष्प को नहीं है? किसके गहनों में? सुरबाला के गहनों में। इस कविता के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। पुष्प क्या इच्छा रखता है? सम्राटों के शव पर डाले जाने की, देवों के सिर पर चढ़ने की, सुरबाला के गहनों में गुथे जाने की, सैनिकों के चरणों में बिछ जाने की। ये सही आंसर है, इसलिए इसको टिक करेंगे। पुष्प स्वयं को तोड़कर कहाँ फेंक दिए जाने की बात करता है? देवालयों में, सैनिकों के मार्ग पर, राजाओं के उद्यान में, संतों के मार्ग पर, सैनिकों के मार्ग पर। तो ये बात सही है, इसलिए यहाँ टिक करेंगे। प्रश्न उत्तर, कविता के आधार पर बताइए कि पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देवकन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर। देवकन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर। मृत शरीर शव, गहना आभूषण, देवताओं पर चढ़ाने के लिए तथा वीर सैनिकों के पथ पर चढ़ाने के लिए पुष्पों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न दो है, पुष्प सुरबाला के गहनों में क्यों नहीं गुंथा जाना चाहता है? सुरबाला के गहने बनकर पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा। सुरबाला के गहने बनकर पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा, किंतु पुष्प को इसमें अपनी सार्थकता नजर नहीं आती। सार्थकता उसे अपने होने का जो अर्थ है वो उसमें नजर नहीं आता कि वो पुष्प जो है सुरबाला के गहने बने। उसका मन कहाँ है? सैनिकों के पथ पर चढ़ने के लिए। तो इसलिए वो उसके गहने बनकर उसकी सुंदरता को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें पुष्प को अपनी सार्थकता नजर नहीं आती। पुष्प प्रेमी का हार बनने का इच्छुक क्यों नहीं है? प्रेमी का हार बनकर पुष्प भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता। सच्चा प्रेम कौन सा होता है? जो हम अपने देश से करें या प्रभु से करें। लेकिन भौतिक प्रेम कौन सा होता है? जो हम दुनियावी वस्तुओं से करते हैं। तो प्रेमी का हार बनकर पुष्प जो है भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता, क्योंकि वह सच्चे प्रेमियों के लिए न्योछावर होना चाहता है। सच्चे प्रेमी वीर सैनिकों के पथ पर, सच्चे प्रेमियों के लिए न्योछावर कुर्बान होना चाहता है। पुष्प की क्या अभिलाषा है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? अभिलाषा इच्छा। पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर शहीद होने जाने वाले वीरों के पैरों तले बिखेर दिया जाए। पुष्प की अभिलाषा है, इच्छा है कि वह मातृभूमि पर जो शहीद होने के लिए वीर जाते हैं उनके पैरों के तले वो बिखेर दिया जाए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी शहीदों का सम्मान करना चाहिए।
जब पुष्प उन शहीदों के नीचे पैरों तले आना चाहता है, शहीद होने वाले वीरों के पैरों तले आना चाहता है, तो हमें भी उन शहीदों का सम्मान आदर करना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो इन पंक्तियों का भाव क्या है? हे उपवन के माली, पुष्प क्या कह रहा है? हे उपवन के माली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जन्मभूमि पर जान न्योछावर करने के लिए जाए। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हरि, श्याम, ईश्वर। हरि, श्याम, ईश्वर। सिर, सर, शीर्ष। सर, शीर्ष। पथ, रास्ता, राह, रास्ता, राह। मातृ, माता, जननी, माता, जननी। सम्राट, राजा, नरेश, सम्राट, राजा, नरेश। समान तुक या लय से अंत तक अंत होने वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे चुलबुल, बुलबुल, बुलबुल, चुलबुल। दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। समान तुक या लय से अंत होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तुकांत शब्द। जैसे बुलबुल, चुलबुल। समान तुक है ना इनकी, बुलबुल, चुलबुल। तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं? तुकांत शब्द। तो ऐसे कुछ शब्द दिए हैं हमने, उनके तुकांत शब्द लिखने हैं। चाह, राह। हरि, करी। तोड़, जोड़। पथ, गत। बाला, माला। सिर, फिर। गहना, पहना। वीर, नीर। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद भी होगा, कि जो वर्ण पहले होगा उसको हमने आधा करके लिखना है। आधा करके कैसे? हलंत से। और फिर जो उसको मात्रा लगी है जिस भी स्वर की, वो स्वर लिखना है। ऐसे देखिए, सुरबाला में पहले स की, स लिखना है। स के नीचे हलंत, स को कौन सी मात्रा लगी है? ऊ की, तो ऊ लिख देंगे। उसके बाद आ गया र, र के नीचे हलंत, फिर र के अंदर कौन सा स्वर है? अ, तो अ लिख दिया। ब, बाला, बा की आवाज आ रही है, तो ब के नीचे हलंत, फिर आ, ल, आ, सुरबाला। गूंथा, ग के नीचे हलंत, पहले ग है ना, ग के नीचे हलंत, फिर ऊ, ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये अनुनासिक लगा हुआ है, चांद बिंदु लगा हुआ है, ऊ उसके ऊपर चांद बिंदु। फिर उसके बाद आ गया था, था यानी थ के नीचे हलंत, आ। प्यारी, प्यारी, मैंने बोला था हलंत वाला जो अक्षर होता है वो आधा ही माना जाता है, तो प, प के नीचे हलंत, अब प आधा है तो हम इसमें कोई मात्रा मुत्रा नहीं लगाएंगे, कोई स्वर नहीं लगाएंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद आ गया या, य, य के नीचे हलंत, आ। री, र के नीचे हलंत, ई। सम्राट, स, स के नीचे हलंत, स में अ छुपा हुआ है, तो अ। मरा, 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 यहाँ म आधा माना जाएगा, मरा। म, र को इकट्ठे ही आ की मात्रा लगेगी, तो म के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत, आ, सम्राट। ट, ट के नीचे हलंत, अ। भाग्य, भ, भ के नीचे हलंत, आ, आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे, आधा ग है तो ग के नीचे हलंत, कोई स्वर नहीं लगेगा इसके बाद। य, य के नीचे हलंत, य में अ छुपा हुआ है, तो अ। मातृभूमि, माँ, पहले आवाज किसकी आ रही है? माँ, तो म के नीचे हलंत, आ, ये बन गया माँ। त्रि, त, त के नीचे हलंत, री की मात्रा है तो री। भू, भ के नीचे हलंत, ऊ, ऊ। मी, म के नीचे हलंत, ई। शीश, शी, श के नीचे हलंत और ई की मात्रा है तो ई लिख देंगे, श, श के नीचे हलंत, तो इसमें अ है तो अ लिख देंगे। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, टेक केयर।